Hello students, so today we will do exercise 7.7. तो बेटा इसमें है सारी की सारी properties. Properties क्या होती हैं? जब हम 1 से किसी number को multiply करें, divide करें, तो same number रहता है. जब हम 1 से किसी भी number को divide करें, चाहे plus करें, multiply करें, sorry, तो वही number रह जाता है. तो multiply करें, तो ये आ गया 1/5. अच्छा डिवाइड किया 1 से, 5/7 को डिवाइड किया 1 से, तो कितना रह गया? 5/7 ही रह गया. अंडरस्टैंड? यस. तो कोई और है जहां पर सेम ही रह रहा है? नहीं, तो कोई और. हाँ ये रहा एक चैलेंज वाला पार्ट है. 4/7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वही नंबर रह जाएगा, तो आ गया 4/7. ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी, एक है जीरो वाली. अगर हम जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आएगा. ठीक है, अगर किसी जीरो, अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करे, 2 0 0, जीरो रह जाता है वो, चाहे कितना भी बड़ा हो. ओके, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो तो कितना रह जाएगा? 0. समझ लगा? तो इस नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा आंसर? 0 आएगा. एक बात आपने और याद रखनी है कि अगर बीच में 0 हो, ठीक है, डिवाइड किया मैंने मान लो 2 से, 2 0 0, ठीक है, तो 0 आया ना. तो अगर 0 / 2 से तो 0 आएगा, लेकिन अगर मान लो 2 को डिवाइड करना है 0 से, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है बेटा. ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें और 2 आ जाए. ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो इसलिए जहाँ पर भी ऐसे लिखा होगा ना कि राइट साइड में 0 लिखा होगा, तो वो नॉट पॉसिबल है. जैसे ये वाला क्या आएगा? नॉट पॉसिबल. ध्यान से देखना है आप, नॉट पॉसिबल. ओके, तो ये भी देखो, 0 से किसको डिवाइड करूं? कि 0 कोई भी नंबर डाल दो, मैं 1 डाल रही हूं. ठीक है, अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा. अगर आप 0 को किसी नंबर, मैंने बोला था ना, अगर लेफ्ट साइड में 0 हुआ है तो वो 0 आ जाएगा. ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0 आएगा. एक चीज और, अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाए, 3/5 है, इसको डिवाइड किया सेम नंबर से, तो कितना आएगा? 1 आएगा. जैसे 2 है, 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, कितना आएगा? 1 ना. तो अपने आपके टेबल में तो 1 पर ही आएगा ना, इसलिए जब भी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा. ठीक है भाई, इज इट क्लियर? सो एक रह गई अभी हमारी प्रॉपर्टी, ये देखो, इसको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. जब भी, जैसे मान लो 2 × मैं अगर 1 कर दूं तो कितना आएगा? 2 आएगा ना. अगर 1 × 2 कर दो, इनको मैंने क्या किया? चेंज कर दिया. जो सेकंड वाला नंबर है उसको फर्स्ट में लिख दिया, और जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको सेकंड में लिख दिया. तो 2 1 2 2, तब भी तो उतना ही रहेगा ना. तो इसका मतलब ये है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं. जब जब नंबर्स को चेंज करें तब भी वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आया था. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर है, इससे ये वाला सेकंड नंबर है ना, तो सेकंड ये किसके इक्वल होगा? जो फर्स्ट वाला है वो बन गया सेकंड वाला, है ना. तो कौन सा मिसिंग है अभी? फिर जो सेकंड वाला है वो यहाँ पर बनेगा फर्स्ट वाला. ओके, सो
ये थी प्रॉपर्टी, आई थिंक चैलेंज वाले पार्ट में एक रहेगी। हाँ मैंने बोला ना, जब भी लेफ्ट साइड में जीरो हो तो जीरो आना है, जब भी राइट साइड में जीरो होगा तो इनडिटरमिनेट या फिर नॉट पॉसिबल है। अंडरस्टैंड? ये आप कर लेना। थैंक यू सो मच।